हम लोगों ने इससे पहले झारखंड में जो मध्यकालीन इतिहास है उसको कवर करा, उसको हम लोग जाने कि झारखंड में जो मध्यकालीन इतिहास के टाइम में, मुगल पीरियड में, मुगल काल में या फिर सल्तनत काल में झारखंड की क्या स्थिति थी, झारखंड में कितना प्रसार हुआ था, मुगल का क्या प्रभाव पड़ा था, वो हम लोगों ने पढ़ चुका है पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग झारखंड में जो आधुनिक इतिहास है, आधुनिक इतिहास का झारखंड में क्या प्रभाव है, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जेपीएससी झारखंड स्पेशल का ये सीरीज जो है कंटिन्यू चल रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग आधुनिक इतिहास के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश किस जगह से हुआ, ठीक है। फिर जानेंगे कि छोटा नागपुर खास में उसका कैसे उन्होंने अपना जो किला है यानी आधिपत्य जमाया। उसके बाद मानभूम धनबाद वाला क्षेत्र, संथाल परगना, पलामू, हजारीबाग, ये सब क्षेत्रों में कैसे अंग्रेजों ने अपनी पैठ जमाई, उसी को हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश जो है वो माना जाता है सिंहभूम, सिंहभूम की जो क्षेत्र है झारखंड का, जो मान लीजिए झारखंड है, झारखंड का रफ डायग्राम है ये, ठीक है। झारखंड है, झारखंड का जो नीचे वाला एरिया है, ये एरिया जो है सिंहभूम वाला एरिया है। तो इसी एरिया से जो है माना जाता है कि अंग्रेजों का प्रवेश हुआ। कब हुआ? 1767 में। 1767 में अंग्रेज जो है झारखंड में प्रवेश करते हैं सिंहभूम के क्षेत्र से। यहां से प्रारंभ होता है अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश करना। अब पूरी तरह से झारखंड में अपनी पैठ कब तक जमा पाते हैं, ये 1837 तक जो है पूरी तरह से सिंहभूम में जो का क्षेत्र है वहां पर अंग्रेज जो है पूरी तरह से पैठ जमा पाते हैं, अधिकार जमा पाते हैं। सिंहभूम का जो कोल्हान क्षेत्र है, कोल्हान क्षेत्र जो है अंग्रेजों के अंतर्गत कब आता है, तो 1837 में पूरी तरह से आ पाता है। और शुरुआत कब करते हैं प्रवेश करना, यानी कि स्टार्टिंग कब शुरू करते हैं वो अपना प्रसार करना, तो 1767 से शुरू करते हैं और जो है 1837 तक वो कंप्लीट कर पाते हैं वो झारखंड में जो सिंहभूम क्षेत्र है उस पर अधिकार जमाने की प्रक्रिया। देखिए, तो झारखंड के राज्यों में नियमित रूप से कर वसूलने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, जनवरी 1767 में, ध्यान दीजिएगा, इस जितना भी सीरीज में ला रहा हूँ सीरीज का हर एक लाइन एक तरह से तीन चार क्वेश्चन बनाता है, तो आपको हर लाइन को बढ़िया से बारीकी से समझना, सुनना है और जानकारी प्राप्त करके दिमाग में रखना है, क्योंकि हर लाइन से आपको दो तीन प्रश्न बनते ही है। जैसे कि यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया, झारखंड राज्य से नियमित कर वसूलने के लिए अंग्रेजों ने जनवरी 1767 में फर्ग्यूसन, फर्ग्यूसन जो है इंग्लिश अधिकारी को सिंहभूम पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। कहा गया कि जाओ सिंहभूम में आक्रमण करो, वहां से हम लोग कर वगैरह का इस्तेमाल करना। कब? जनवरी 1767 में, जनवरी 1767 से शुरू हुआ। क्या किया, जो फर्ग्यूसन थे, फर्ग्यूसन की सेना जो है वो लेकर ढालभू के जो राजा थे वहां पर, सिंहभूम के जो क्षेत्र के अंदर ढालभूम है, ढालभू के राजा को पर चढ़ाई करके जामबनी में पराजित करा, ठीक है। तो फर्ग्यूसन ने ढालभूम के राजा को कहां पर पराजित करा, तो जामबनी में पराजित करा, ठीक है, जामबनी में पराजित करा। और उसके बाद ढालभूम के राजा को पराजित करने के बाद फर्ग्यूसन जो है कहां बढ़ा, घाटशिला की ओर बढ़ा, घाटशिला को जीतने के लिए, एक तरह से कैसे चढ़ाई करने के लिए और एक तरह से कह सकते हैं कार्रवाई करने के लिए उधर देखा, बढ़ा घाटशिला की तरफ। तो जब घाटशिला के राजा ने देखा कि अंग्रेजों को रोकना मतलब मुश्किल का काम है, ठीक है, तो क्या किया उन्होंने, हाँ, तो जब वहां के राजा, घाटशिला के राजा ने देखा कि अंग्रेजों को रोकना थोड़ा मुश्किल का काम है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी संपत्ति सहित महल में आग लगा दी, ठीक है, अपने महल में आग लगा दिया संपत्ति सहित। घाटशिला अब जल रहा था, घाटशिला जलने के बाद जो फर्ग्यूसन ने क्या किया, क्योंकि घाटशिला जल चुका था, तो फर्ग्यूसन ने 22 मार्च 1767 में, ठीक है, 22 मार्च 1767 में, 1767 का ये घटना चल रही है, ठीक है, स्टार्टिंग पीरियड ही है, उसमें वहां पर घाटशिला पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया। तो प्रश्न बन सकता है घाटशिला पर फर्ग्यूसन ने या फिर अंग्रेजों ने कब अधिकार प्राप्त किया, तो 22 मार्च 1767 में। अब देखिए क्या हुआ, ढालभू इससे पहले अंग्रेजों ने जो कार्रवाई करके कब्जा जमाया था, अधिकार जमाया था, वहां पर जगन्नाथ ढाल को वहां का राजा बनाया गया, ठीक है, वहां का राजा बनाया गया और कहा गया कि आपको 5500 रुपया वार्षिक कर देना होगा, ठीक है। इस तरह से ढाल, जगन्नाथ ढाल जो है उन्होंने 5500 रुपया वार्षिक कर पर स्वीकार कर लिया वहां का राजा बनने के लिए। आगे क्या हुआ कि
कि 1768 में जगन्नाथ ढाल थे, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया, अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह कर दिया, और इसी विद्रोह को हम लोग ढाल विद्रोह के नाम से जाना गया है। तो ढाल विद्रोह का जो नेतृत्व जगन्नाथ ढाल के अंतर्गत हुआ था। तो इस पर जो विद्रोह है, जितना भी जनजातीय विद्रोह है और भी झारखंड से जितना विद्रोह, उसका भी लेक्चर मैं बना चुका हूँ, उसकी भी लिंक जो है मैं आपको यहाँ पर डाल दूंगा, वहां पर आप जाकर सारे विद्रोह को डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और जो विद्रोह ढाल विद्रोह के नाम से जाना गया। अब देखिए आगे जाके क्या हुआ, विद्रोह हो गया, विद्रोह का दबाया गया, उसके बाद 1820 में जो है मेजर रफसेज ने कुल्हान क्षेत्र में प्रवेश किया। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी मेजर जो रफसेज है वो कुल्हान क्षेत्र में प्रवेश किया, और रोरो नदी के तट पर हो, वहां की जो जनजाति है हो जनजाति, और अंग्रेजी सेना के बीच में लड़ाई हुई। ठीक है, अंग्रेजी सेना के बीच में लड़ाई, यानी कि मेजर रफसेज के नेतृत्व में। ठीक है, तो जिसमें अंग्रेज क्या हुए, विजय हुए, अंग्रेज जो है विजय हुए। अब देखिए आगे क्या होता है, अंग्रेज विजय हुए तो उस प्रकार से वो जो रोरो नदी वाला क्षेत्र था वो भी अंग्रेज के अधिकार क्षेत्र में आ गया। अब 1821 में आगे जाके 1821 में जो कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने अब क्या किया, जो हो क्षेत्र है वहां पुनः प्रवेश हुआ, और एकमात्र फिर से जो है हो के जनजाति है उनके बीच और कंपनी के बीच में संघर्ष चलता रहा। फिर बाद में हो जनजाति लोगों ने कंपनी की अधीनता जो है स्वीकार कर ली। अब आगे जाके 10 साल के बाद जो है 1831 से 32 के समय काल में कोल विद्रोह हुआ। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ कोल विद्रोह हुआ, इसमें जो है ना हो लोगों ने ठीक है, यहाँ पर जो हो लोगों ने खुलकर भाग लिया, कोल विद्रोह में खुलकर भाग लिया, साथ साथ जो यही जो हो क्षेत्र के लोग थे उन्होंने ही कोल विद्रोह में खुलकर भाग लिया, और साथ साथ जो यहाँ पर होगा, ठीक है, हो लोगों ने भाग लिया, और साथ साथ इसमें जो गंगा नारायण सिंह और चुवाड़ विद्रोहियों थे उनका भी साथ दिया। और इस वजह से क्या हुआ, अंग्रेज जो है बाध्य होकर इतनी बड़ी जो विद्रोह, कोल विद्रोह इसमें हो भी शामिल है, गंगा नारायण सिंह का जो विद्रोह था, फिर चुवाड़ विद्रोह, उसमें सहायता हुआ, जिसके वजह से बड़ा सा विद्रोह हुआ, और अंग्रेज को जो इनके विरुद्ध जो अभियान हो रहा था उसको छोड़ना पड़ा। आगे जाकर जो दक्षिण पश्चिम सीमांत था जो उड़ीसा वाला झारखंड वाला क्षेत्र के एजेंसी गवर्नर जनरल के जो एजेंट थे 1836 ईस्वी में जो दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के जो गवर्नर जनरल एजेंट थे जिनका नाम था टी एस विल्किंसन ने सलाह दी कि एक अंग्रेजी सेना ने कुल्हान प्रविष्ट हाँ तो दक्षिण सीमांत एजेंसी के गवर्नर जनरल जो एजेंट थे 1836 ईस्वी में टी एस विल्किंसन की उन्होंने सलाह दी कि कुल्हान जो क्षेत्र है वहां पर अंग्रेजी सेना को प्रवेश करना चाहिए। तो उसके बाद वहां पर प्रवेश हुआ और 4 माह तक संघर्ष चला। ठीक है, कुल्हान क्षेत्र में जो है 4 माह तक संघर्ष चला 4 माह ठीक है 4 महीने तक संघर्ष चला और उसके बाद फरवरी 1837 में हो लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, और बोले कि ठीक है हम कंपनी को आप सीधा कर देने का तैयार होंगे। तो देखिए कितने बार हो लोगों ने संघर्ष किया अंग्रेजों के खिलाफ। उसके बाद 1837 में जो कोल्हान क्षेत्र कहा था जब समर्पण कर दिया गया हो लोगों के द्वारा, तो 1837 में जो कोल्हान क्षेत्र था उनको एक नया प्रशासकीय इकाई बना दिया गया, अंग्रेजों के अधीन डाल दिया गया, यानी कि पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन आ गया और एक अंग्रेजों का एक नया प्रशासकीय इकाई बन गया कुल्हान क्षेत्र नाम का एक प्रशासकीय इकाई बन गया। देखिए इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इस क्षेत्र में दीवानी प्राप्त होने के 72
72 वर्ष के बाद ही कोल्हान क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमा पाया। ठीक है, 72 वर्ष तक, यानी कि 1767 में उन्होंने शुरू करा था अपना अपना अभियान शुरू करा था, प्रारंभ किया था इस जो सिंहभूगा क्षेत्र है कोल्हान क्षेत्र में, और जाकर आपका 1837 में उसकी जो पूरी तरह से आधिपत्य जमाने का जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हुआ। तो स्टार्ट कहां से हुआ था झारखंड में प्रवेश अंग्रेजों का, तो सिंहभू से था, ठीक है, कोल्हान क्षेत्र से। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं पलामू के क्षेत्र की ओर जानते हैं। आप जानते हैं कि पलामू के क्षेत्र में अंग्रेजों का कैसे प्रवेश हुआ था। तो पलामू में राजनीति अराजकता फैली हुई थी, ठीक, राजनीतिक अराजकता फैली हुई थी, इसका लाभ जो है अंग्रेजों ने उठाया, अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाकर पलामू में प्रवेश करना शुरू किया। पहले क्या किया, ब्रिटिश कंपनी ने 1 जनवरी 1771 में, ठीक है, 1 जनवरी 1771 में कैप्टन कैमक, ना आपको याद रखना, कैप्टन कैमक को औरंगाबाद पहुंचने का आदेश दिया गया, कहा गया अंग्रेज के द्वारा कैप्टन कैमक को कि आप औरंगाबाद पहुंचो। कंपनी द्वारा जो हैरी पामर था और एडवर्ड गोल्डिंग, वो सैनिक के साथ कैप्टन कैमक को अभियान के लिए सहयोग के लिए भेजा गया। तो जो कैप्टन कैमक को जो आदेश दिया गया था 1 जनवरी 1771 को कि औरंगाबाद पहुंचो, उसको किसके किसका सहयोग दिया गया, तो हैरी पामर और एडवर्ड गोल्डिंग का सहयोग दिया गया। उसके बाद 9 जनवरी 1771 को पटना काउंसिल ने कैप्टन कैमक को आदेश दिया कि यथाशीघ्र किले पर अधिकार कर ले। तो पटना काउंसिल जो थे उन्होंने कैप्टन कैमक को आदेश दिया कि जल्द से जल्द जो है किले पर अधिकार जमाओ, ठीक है। अब क्या हुआ, अप्रैल 1772 ये जनवरी से जाके अप्रैल 1772 में जयनाथ सिंह जो थे वो जो पलामू क्षेत्र के राजा थे, और टॉम्स स्कॉट एक ब्रिटिश अधिकारी थे, इनके बीच युद्ध हुआ। उसके बाद यानी कि इससे पहले तो उन्होंने जो पटना काउंसिल कैप्टन कैमक के द्वारा जो है उस किले पर अधिकार प्राप्त हुआ था। उसके बाद फिर कुछ समय के बाद अगेन अप्रैल 1772 में जो जयनाथ सिंह थे वहां के राजा और पलामू जो टॉमस स्कॉट वहां के जो अधिकारी थे के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में क्या हुआ, 26 अप्रैल को अंग्रेजी सेना हार गई। इस युद्ध में क्या हुआ, अंग्रेजी सेना हार गई, और इस युद्ध में जो सर्जेंट पेलविन थे एक अधिकारी थे वो मारा गया, और स्कॉट जो सहयोगी थे कैप्टन कैमक के, उसके पैर में गोली लग गई, ठीक है, घायल हो गया, ठीक है, गोली लगने के कारण वो घायल हो गए। अब क्या हुआ, रंका के जो जिले थे उस पर पुनः जयनाथ सिंह का अधिकार मिल गया, ठीक है, रंका का जो किला था वहां पर पुनः जयनाथ सिंह का अधिकार मिल गया। अंग्रेजी सेना में जो कैमक भी थे एक बड़ी सेना लेकर पुनः पहुंचे जयनाथ सिंह के पास, ठीक है। जब दोबारा जयनाथ सिंह के मतलब किले की तरफ बढ़ रहे थे वो कैप्टन कैमक, कैप्टन जो अंग्रेजी कैप्टन थे सेना के कैप्टन कैमक जो पुनः जब पहुंचे, तो जयनाथ सिंह क्या हुआ, 1771 में उस समय वहां से भाग निकले और किसी अज्ञात स्थान पर चले गए, ठीक है, यहां पर 71 नहीं 72, ठीक है, 71 ठीक है, 71 में स्प्रिंटिंग हो गया यहां पर, 71 अप्रैल 71 में ये युद्ध हुआ था। उसके बाद फिर अगले 71 में ही क्या हुआ, पलामू छोड़कर वो किसी अज्ञात स्थान पर चले गए। इस प्रकार अंग्रेजों का आधिपत्य जो था वो पलामू के क्षेत्र में हो गया। तो पलामू किले के पतन के बाद जो कैप्टन कैमक थे वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था बना लिए, और पलामू के जो विजय अभियान था जिसमें कैप्टन कैमक ने कौन कौन मदद किया था, जय मंगला सिंह कुंडा के धीरज नारायण और सिरिस कुतुबा के नारायण सिंह, इन्होंने पलामू अभियान के दौरान कैप्टन कैमक को मदद की थी, इसलिए क्या हुआ, पटना काउंसिल के द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया, ठीक है, पुरस्कृत किया गया। तो ये था पलामू का जो अभियान, पलामू पर कैसे विजय पाया गया अंग्रेजों के द्वारा। अब आते हैं छोटा नागपुर खास। तो छोटा नागपुर खास जो इलाका था इसको अंग्रेजों को जीतने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुआ, आसानी से इन्होंने इस पे कब्जा जमा लिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नागवंश जो राजा थे दर्पण सिंह, उन्होंने स्वयं समर्पण कर दिया। देखिए, नागवंशी जो शासक थे वो मध्यकालीन इतिहास में शक्तिशाली थे, किसी को हिलने नहीं देते थे, लेकिन जब उनका मध्यकालीन इतिहास समाप्त हुआ औरंगजेब के डेथ के बाद, जब कह सकते हैं अंग्रेजों का आगमन हुआ, उस समय जाकर जो नागवंशी राजा थे उसमें कुछ थोड़ा जो कमजोर राजाओं का शासन शुरू हुआ,
जैसे कि दर्पण सा, उन्होंने अपने जो अधिकार क्षेत्र है उस पर उस तरह शक्तिशाली से शासन नहीं कर पाया और उन्होंने अंग्रेजों के सामने हथियार डालते हुए स्वयं को समर्पण कर दिया अंग्रेजों के सामने। तो जो दर्पण नाथ सा थे उन्होंने पलामू किले के पतन के पश्चात जो 1771 जो है यहाँ पर 1771 ईस्वी जो है मैं स्वयं ही क्या किया जो सतरबा जाकर सतबरबा ठीक है ये जगह नाम याद रखना सतबरबा जाकर क्या किया कैप्टन कैमक से मिले और उन्होंने वहां पर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। कितने रुपये वार्षिक कर पे तो 12,000 रुपये वार्षिक कर पे उन्होंने ये जो अधीनता अंग्रेजों की स्वीकार कर ली। इस प्रकार से छोटा नागपुर को मताधिकार क्षेत्र लाने में यानी कि अपने अंडर लाने के क्षेत्र को हजारीबाग के क्षेत्र छोटा नागपुर खास को जीतने के बाद हजारीबाग के जो एरिया उसको हम लोग जानते हैं। तो हजारीबाग क्षेत्र उस समय कौन कौन सा इलाका था कुंडा खड़गरिया छह केंदी रामगढ़ ये सब जो है हजारीबाग क्षेत्र में ही स्थित थे। तो इन राज्य में जो अंग्रेज को सबसे अधिक प्रतिरोध कहां से मिला रामगढ़ वाला क्षेत्र से अधिक प्रतिरोध मिला। बाकी जो कुंडा खड़गरिया छह केंद्रीय सब में ज्यादा परेशानी नहीं हुआ अंग्रेजों को अपने आधिपत्य में लेने में। हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश किसके नेतृत्व हुआ कैप्टन कैमक जो शुरू से है पलामू क्षेत्र में भी उन्होंने अधिकार जमाया था नेतृत्व करा था। उसी प्रकार से रामगढ़ के क्षेत्र में भी हजारीबाग के क्षेत्र में भी कैप्टन कैमक के नेतृत्व में हुआ। 1772 ईस्वी में रामगढ़ राज्य पर चढ़ाई की गई कैप्टन कैमक के नेतृत्व में। वहां पर जो थे मुकुंद सिंह वो भी जो है मुकुंद सिंह अंग्रेजों के डर से भागकर पंचे चले गए। तो इस प्रकार से अंग्रेजों को खाली मिला तो तेज सिंह को वहां पर रामगढ़ का राजा घोषित कर दिया गया। अंडर मिलाकर रामगढ़ का राजा किसे घोषित कर दिया गया तेज सिंह को घोषित कर दिया गया। अगेन 1773 में रामगढ़ पलामू छोटा नागपुर खास को मिलाकर अंग्रेजों ने क्या किया रामगढ़ नाम का एक जिला गठन करा गया। ठीक है 1773 में रामगढ़ जिला का गठन किया गया। कौन कौन से क्षेत्र मिलाकर रामगढ़ बड़ा क्षेत्र पलामू और छोटा नागपुर क्षेत्र मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया। अब आते हैं मानभूम यानी कि धनबाद वाला क्षेत्र कैसे उन्होंने अपने अंडर में लिया। तो अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय मानभूम क्षेत्र में कौन कौन सा एरिया आता था झरिया कतरास परा रघुनाथपुर हेसला इचागढ़ जयपुर बालमुंडी बड़ा भूम अभिनय नगर सुपुर ये सब जो जगह है सब जो जगह था वो सब मौजूद था मानभू वाले क्षेत्र में। तो अगेन जो फर्गुसन थे उनका मानना था कि अलग अलग जमींदारों के विरुद्ध कार्रवाई करने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक इसीलिए क्या किया फर्गुसन ने कुछ जमींदारों को वार्षिक बंदोबस्त के लिए मतलब जो अभियान चलाकर उसको अंडर लाने से अच्छा है कि कुछ नया उपाय करो जमींदारों को वार्षिक बंदोबस्त ही दे दो कुछ सेटलमेंट कर दो। तो वार्षिक बंदोबस्त किया और राजस्व वसूली के लिए बलरामपुर में एक थाना स्थापित किया राजस्व रेवेन्यू वसूली के लिए। देखिए मानभूम क्षेत्र में अंग्रेजों के प्रवेश की प्रक्रिया जो है पूरी तरह से जाकर ये आपका यहाँ पर 1700 ठीक है 1700 ये यहाँ पर मिस्टेक है 1763 ठीक है 1763 नहीं 1763। तो मानभू क्षेत्र में अंग्रेजों के प्रवेश की प्रक्रिया जो है 1763 में फर्ग्यूसन ने शुरू किया। ठीक है फर्ग्यूसन ने शुरू किया जो कि सुपर बड़ा भूम अभिनय नगर चतना के जमींदारों के से वार्षिक बंदोबस्त से शुरू किया गया। ठीक है तो 1763 में शुरू किया गया फर्ग्यूसन के द्वारा मानभू क्षेत्र में प्रवेश इन सब क्षेत्रों के को जीतने के बाद मतलब कैसे कर सकते अधिकार क्षेत्र लेने के बाद 1783-84 ईस्वी में जो मेजर क्रॉफर्ड थे मेजर क्रॉफर्ड उनके द्वारा झालदा के जो राजमंगल सिंह थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और झरिया में शांति स्थापना की यह प्रक्रिया पूरी हुई। मतलब लास्ट में जो है झालदा के राजमंगल सिंह है उनको गिरफ्तार करके पूरी तरह से 1784 ईस्वी में मानभूम वाला क्षेत्र को भी अपने अंडर ले लिया गया। अब आते हैं संथाल परगना का क्षेत्र। ठीक है अंतिम जो क्षेत्र है हम लोग जो यहाँ पर जानेंगे संथाल परगना का क्षेत्र जो है कैसे उन्होंने अपने अंडर में लिया। शाह सुजा के समय राजमहल में डॉक्टर जो ग्रेवियाल बाउगटन ठीक है डॉक्टर ग्रेवियाल बाउगटन कंपनी का प्रतिनिधि कर रहे थे। ठीक है शाह सुजा के समय में
उसका कंपनी का व्यापार संबंधी फरमान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। डॉक्टर ग्रेवियल बॉटन का कंपनी को जो व्यापार संबंधी फरमान था शाह शुजा से दिलाने बहुत मदद मिला था। 1676 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा एक व्यापारिक एजेंसी की स्थापना हुई संथाल परगना के क्षेत्र में। उसके बाद फिर राजमहल के क्षेत्र में मराठों का कब्जा 1742 ईस्वी में पड़ा। मतलब संथाल परगना के एक शॉर्ट इतिहास हो रहा है यहाँ पर। राजमहल क्षेत्र में मराठों का कब्जा 1742 ईस्वी में हुआ। उसके बाद जो है 1757 में, जैसा कि आपको पता होगा इतिहास से, कि पलासी का युद्ध हुआ, उसमें पराजित होने के बाद जो सिराजुद्दौला थे वो राजमहल ही पहुंचे थे। और 1763 ईस्वी में मीर कासिम के विरुद्ध मेजर एडम्स की विजय के फलस्वरूप राजमहल क्षेत्र पर कंपनी का अधिकाधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है, तो राजमहल क्षेत्र जो था, यानी कि संथाल परगना का क्षेत्र था, वो किसी न किसी जो नवाब थे उसके अंदर में था। तो नवाबों को जीतने के बाद स्वतः जो कंपनी को जो उस क्षेत्र का एक अधिकार मिल गया। ठीक है, तो ये था संथाल परगने का, जो संथाल परगना पर अधिकार कैसे प्राप्त किए अंग्रेजों ने। तो ये जो था आधुनिक इतिहास का वीडियो था, लेक्चर था। इससे पहले मैंने जो मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास को बनाया और जो जनजातीय विद्रोह उसको भी कवर किया है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम लिंक पर और इंस्टाग्राम लिंक और ट्विटर लिंक पर जाकर मुझसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जरूर जुड़े, जहां पर मैं वीडियो का लिंक, PDFs और इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होता है कंपटीशन एग्जाम के लिए उसको डालता हूँ। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।